क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, ऑब्जर्व द फॉलोइंग पैटर्न एंड सप्लाई द मिसिंग नंबर। इस पैटर्न को ऑब्जर्व करते हुए जो ये ब्लैंक्स है इसको हमने क्या करना है, फिल अप करना है। अब देखो 11 का स्क्वायर इसने क्या दे रखा है, 1 2 1, फिर इनके बीच में एक जीरो पुट कर दी इसने, फिर ये इनके बीच में भी क्या होगी 1 1 0 पुट के लिए, मतलब ये 10 बन गया, ये कितना बन गया 20, फिर 1 0 फिर 1 0, ये इसके भी बीच में रख दी और इसके भी, ये 10 10 हो गए, ये 1 हो गए, तो 10 20 30 फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में चलेंगे। फिर उसके बाद ये 10 10 10 थ्री टाइम्स 10 है, इसके बाद ये क्या जाएगा हमारे पास, इसकी जगह लिख देंगे हम 10 20 30 40, फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में चलो 30, फिर ये कितना होगा 10 20 30 40, फिर 30 20 और फिर कितना हो जाएगा 1। उसके बाद ये किसका स्क्वायर आ जाएगा, ये 10 10 10 थ्री टाइम्स आ गया था, अब 4 टाइम 10 आएगा, तो हम क्या लिख सकते हैं इसमें 10 10 10 थ्री बार है, एक बार हो जाएगा 10 और ये कितना आ जाएगा 1 का स्क्वायर, ये किसके इक्वल होगा, इसके इक्वल होगा। इसके साथ अपना क्वेश्चन नंबर जो 5th है ये कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, यूजिंग द पैटर्न फाइंड द मिसिंग नंबर। इस पैटर्न को देखते हुए जो ये ब्लैंक्स है इनको हमें फिल करना है इस पैटर्न को फॉलो करते हुए। अब देखो इसमें क्या है, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 3 स्क्वायर, मतलब 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर रखिए, 1 2 2 का स्क्वायर और 2 से नेक्स्ट नंबर कितना आ गया 3। अब देखो 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर इज इक्वल टू 7 स्क्वायर, 2 और 3 की मल्टीप्लाई कितनी होगी 6, 6 का स्क्वायर इज इक्वल टू 6, नेक्स्ट नंबर कौन सा हो गया 7 का स्क्वायर, ये 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, 3 और 4 की मल्टीप्लाई कितनी होगी 12, तो 12 स्क्वायर हो गया और 12 से नेक्स्ट नंबर कौन सा होगा 13, तो 13 का स्क्वायर। अब यहाँ पर देखो 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस ब्लैंक्स है, तो 4 5 का कितना हो जाएगा 20, इसका मतलब ये कितना दे रखा है यहाँ 20 का स्क्वायर दे रखा है, किसका स्क्वायर दे रखा है 20 का, 20 से नेक्स्ट कितना आ जाएगा 21। नेक्स्ट है 5 स्क्वायर प्लस ब्लैंक्स और प्लस में 30 स्क्वायर इज इक्वल टू 31 स्क्वायर। अब ये इन दोनों नंबर की मल्टीप्लाई दे रखी है, तो 5 से नेक्स्ट नंबर कितना 6, 5 6 का कितना हो जाएगा 30, तो यहाँ जो आएगा ये कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, ये 6 का स्क्वायर है, तो 5 6 जा 30 और 30 से नेक्स्ट कौन सा होगा 31 का स्क्वायर। अब देखो 6 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर, तो 6 7 जा कितना हो जाएगा 42, तो ये हमारे पास हो जाएगा 42, ये 42 का स्क्वायर हो गया और 42 से नेक्स्ट नंबर कौन सा होगा 43, इसको लिख देंगे 43 का स्क्वायर। तो ये जो गिवन थे इस पैटर्न को फॉलो करते हुए हमने जो ब्लैंक्स थे उनकी जगह स्पेस फिल कर दी है। इसके साथ अपना क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट।